नमस्कार साथियों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास टावर एसी है वोल्टास का, तो आज इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे और आपको बताएंगे कैसे इसकी इंस्टॉलेशन की जाती है और इसके जो कनेक्शन है वो कैसे रहते हैं। यहाँ पे हमारा जो कंट्रोलिंग पैनल है, यहाँ पे हमारे जो कनेक्शन रहते हैं, ये हमारा थ्री फेज का एसी है और इसमें जो हमारे कनेक्शन रहते हैं वो अंदर वाली यूनिट के लिए हमारे सिंगल फेज के कनेक्शन रहते हैं और बाहर के लिए जो हमारी आउटडोर यूनिट है उसमें थ्री फेज के कनेक्शन रहते हैं। तो आपको दिखाएंगे कि इसके कैसे इसकी इंस्टॉलेशन की जाती है और कैसे कैसे इसके कनेक्शन रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो लाइन, न्यूट्रल और वन, इसके भी कनेक्शन बताएंगे। वन पॉइंट क्यों दिए दे रखा है कंपनी ने। ये पूरा पीसीबी कंट्रोल्ड हमारा एसी है। ये हम इसका ब्लोअर, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा ब्लोअर है इसका, और यहाँ से इसका जो आप देख रहे हो यहाँ से इसकी जो अंदर कूलिंग कॉइल है, यहाँ से ये एयर को फ्लो करता है। तो अभी इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, फिर आपको बताते हैं। आज हम आए हैं आर्मी के ऑफिस SSB ज्वालाजी सपड़ी में। आर्मी के फैन भी हमारे साथ हैं तो इसमें कुछ एक्सेसरी दे रखी है, इसको देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे 3/8 का एक नट रहता है, 5/8 का नट है। ये इसका पाइप कवर है और ये होल के लिए कवर करने के लिए ये इंसुलेशन दे रखा है पाइप को कवर करने के लिए। और ये इसका रिमोट है, ये रिमोट स्टैंड है। ये आप देख रहे हो ये हमारी आउटडोर यूनिट है। यहाँ पे 5/8 का एक नट दे रखा है जो कि सर्विस वाल्व है और 3/8 का एक अलग से सर्विस वाल्व दे रखा है लिक्विड लाइन के लिए। और ये हमारा 3 टन का एसी है, 3 फेस हमारा इसमें रहेगा। तो इसके भी कनेक्शन आपको दिखाएंगे। तो पहले अंदर वाली यूनिट को इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आपको बाहर वाली के दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस फ्लेयर टूल के साथ आज आपको फ्लेयर बना के दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेयर इसके साथ बनता है। आपको पाइप में किसी भी तरह की कोई आपको रेत तिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई रिम लगाने की ज़रूरत है। ये आपको दिखाएंगे कैसे कितना अच्छा ये फ्लेयर बनाता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। जो दूसरे वाला फ्लेयर रहता है उससे थोड़ा अलग रहता है ये। अभी दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले फ्लेयर नट पाइप के अंदर डाल लेना और उसके बाद जो हमारा फ्लेयर जो पाइप है वो आपने 3/8 की जगह पर इसको लगाना है। दूसरे वाले जो टू रहता है उसमें क्या करते हैं कि हम पाइप को बाहर रखते हैं, लेकिन इसमें आपने पाइप को इसके पूरा बराबर रखना है, इसको बाहर नहीं निकालना है, पूरा इसके लेवल को बाहर बराबर रखना है, जिससे कि आपका फ्लेयर है वो बहुत बढ़िया बनेगा। तो अभी इसको दिखाते हैं। तो ये हमारा जो टूल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ऐसे इसको स्लॉट बना हुआ है, ऐसे स्लॉट के अंदर इसको रखेंगे और यहाँ पे इसको सही जगह पे टाइट करेंगे। यहाँ पे भी नट टाइट करने के लिए स्लॉट बने हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल उसी स्लॉट पे आपने इसको टाइट करना है, तभी आपका फ्लेयर अच्छे से बनेगा। और पूरा टाइट कर लेना, उसके बाद आपने इसको टाइट करना है। फ्लेयर बन चुके हैं, तो अभी यहाँ से इसको जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया फ्लेयर हमारा बना हुआ है। कोई भी पाइप का कहीं से भी कोई कट नहीं लगा, ना ही पाइप फटी हुई है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमारी पाइप फट जाती है। एकदम कंपनी की तरह जो फ्लेयर बनाए, जैसे कंपनी से फ्लेयर आता है बनके, और पूरा सेट बैठ रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस वाले फ्लेयरिंग टूल का इस्तेमाल कीजिए फ्रेंड्स, आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा।
ये वाला इसमें प्री फिल्टर है, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पाइप हमारी, यहाँ पे जो ये पॉइंट है यहाँ पे हमारी जो कॉपर पाइप और ड्रेन पाइप का आउटपुट रहेगा, और इसके बाद तो हमने यहाँ पे होल कर रखा है, तो यहाँ से जो हमारा यहाँ से जो हमारी पाइप है ये बाहर के लिए जाएगी और बाहर ये आउट ऑन के लिए जाएगी, तो ये हमने पहले ही होल कर रखा था यहाँ पे। तो अभी पाइपों का कनेक्शन करते हैं। रुक क्या आप देख रहे हो, तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिए, इसको हमने डायरेक्ट जॉइंट कर दिया है, और ये वाली जो पाइप है इसको लगाएंगे हम फ्ले नट, तो फ्ले नट 3/8 का फ्ले नट यहाँ पे लगेगा। चलो तो हमने फिट कर दिया है, तो फ्ले नट हमने लगा दिया है, अब थोड़ी सेटिंग करेंगे इसकी। तो अभी इसको टाइट करेंगे अच्छे तरीके से, तो हमारा अच्छे से टाइट हो चुका है। तो ये हमारी ड्रेन पाइप है, तो ये ड्रेन पाइप लगाएंगे यहाँ पे और अच्छे से इंसुलेशन करेंगे इसको। तो पाइप के कनेक्शन हो चुके हैं, अभी ड्रेन पाइप लगाएंगे और इसके बाद करेंगे बिजली के कनेक्शन। जो हमारी यहाँ पे जो कनेक्शन रहेंगे वो डायरेक्ट कहीं किसी प्लग से नहीं आएंगे, ये हमारे आउटडोर से यहाँ पे कनेक्शन आएंगे, और कंट्रोलिंग भी यहीं से रहेगी। तो यहाँ अंदर कोई भी MCB वगैरह नहीं लगाएंगे हम, सीधा डायरेक्ट जो फेस रहता है और न्यूट्रल रहते हैं, 3 फेस रहता है, वो आउटडोर के लिए भेजेंगे, और जो आउटडोर से है वो न्यूट्रल फेस और एक कंट्रोल की सिग्नल की वायर है, 1 नंबर वायर है, वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ से यहाँ पे न्यूट्रल फेस आएगा, और 1 नंबर से यहाँ की ऊपर के लिए कंट्रोलिंग जाएगी, उसको भी मैं समझाऊंगा आपको। तो अभी ड्रेन पाइप को हम लगा देंगे, एक्स्ट्रा ड्रेन पाइप। पाइप लगाने के बाद अच्छे से टेपिंग कर देंगे ताकि कोई अगर हल्की फुल्की लीकेज रहेगी तो वो रुक जाए, लीकेज ज़्यादा ना हो पाए। ऊपर करो तो अभी हमने पाइप को अच्छे से टेपिंग कर दिया ताकि पाइप को कोई बाहर से खींचे भी तो यहाँ से खोल ना सके, और यहाँ से लीक भी ना हो सके पानी, हल्का फुल्का अगर वो लीकेज रहेगी तो रुक जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो अभी हमने यहाँ से वायर और पाइप को निकाल लिया है, अभी ड्रेन पाइप को लगाएंगे। तो उससे पहले हम जो कंट्रोलिंग है तो कनेक्शन कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे कनेक्शन, ये हमारी लाइन की, ये हमारा न्यूट्रल है, ये 1 नंबर है, और ये हमारी अर्थिंग है। तो यहाँ से क्लंप दे रखे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे आपने इसको टाई कर देना है, इसके ऊपर भी एक क्लंप दे रखा है, चक्के मतलब नहीं आया किसका नंबर है। तो यहाँ पे हमारी 4 वायर है, तो सबसे पहले जो हमारी ये इनपुट पॉइंट है AC के लिए, यहाँ से AC को 220 वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे हम आउटडोर के लिए यहाँ से सप्लाई नहीं लेंगे, बल्कि आउटडोर से इंडोर के लिए सप्लाई लेंगे। ये हमारी न्यूट्रल इनपुट है, तो हमारी PCB के लिए न्यूट्रल और फेस यहाँ से आ चुका है, यह 220 वोल्टेज है, हमारी PCB काम करेगी, जो कि हमारी
फैन के लिए काम करी, फैन को घुमाएगी और जो भी डिस्प्ले है हमारी वो 220 वोल्ट पे चल पड़ेगी हमारी। तो अभी हमने कंट्रोलिंग करनी है आउटडोर की कि जब वो टेम्परेचर अचीव कर ले इंडोर हमारा, तो आउटडोर की जो सप्लाई है कॉन्ट्रेक्टर की सप्लाई वो कट कर दे। तो इसके लिए हमने एक नंबर से एक वायर को उठाना है जो कि कंट्रोलिंग वायर है। तो कंट्रोलिंग वायर को एक नंबर पे लगा देंगे जो कि सीधी जाएगी आउटडोर की जो कॉन्ट्रेक्टर लगा रहता है, थ्री फेज का कॉन्ट्रेक्टर, उसको ऑन ऑफ करेगी। तो यहाँ से ये जैसे कि आप देख रहे हो एक नंबर की जो ये वायर है ये हमारी यहाँ पे आई हुई है। ये क्या करेगी पीसी की, जब भी हमारे ये सेंसर सेंस करेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर वो मेंटेन हो चुका है, तो यहाँ से जो सप्लाई है वो आउटपुट होना बंद हो जाएगी और जो कॉन्ट्रेक्टर है इसी सप्लाई से वो काम करता है, क्लोज और ओपन होता है। तो जब ये सप्लाई बंद हो जाएगी तो वो आउटडोर में जो कंप्रेशर है उसकी सप्लाई को कट कर देगा और जिससे कि हमारा कंप्रेशर काम नहीं करेगा। इस तरह से हमारे टावर एसी की जो कंट्रोलिंग थ्री फेज की किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी कंट्रोलिंग हमेशा कॉन्ट्रेक्टर के साथ रहती है। तो यहाँ अर्थिंग पॉइंट को हम लगा देंगे। तो जैसे कि आप समझ गए हो हमारे इंडोर के जो कनेक्शन है प्रॉपर हो चुके हैं। अगर ये हमारे कनेक्शन प्रॉपर हो चुके हैं, ये हमारा जो फेस रहता है ये इनपुट है लाइन, ये न्यूट्रल हमारी इनपुट है इस पीसीबी को चलाने के लिए और इस फैन मोटर को चलाने के लिए और इस डिस्प्ले को चलाने के लिए, स्विंग वगैरह को चलाने के लिए हमारी जो 220 वोल्टेज है यहाँ पे इनपुट है। ये वाला थ्री फेस एसी है लेकिन इंडोर में थ्री फेस नहीं रहता, इंडोर सिंगल फेस से चलता है। और ये वाली जो वायर है ये हमारी कंट्रोलिंग वायर है, ये हमारी जो कॉन्ट्रेक्टर लगा रहता है उस पर ये आउटपुट के लिए आउटपुट देती है बाहर, जो आउटडोर में जो हमारा कॉन्ट्रेक्टर रहता है एक थ्री फेज का उसको ऑन ऑफ करने के लिए हमारा काम करती है। जब ये सेंसर पूरा सेंस कर लेंगे कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है तो इस वायर में से जो करंट पास हो रहा था इसको कट कर देती है और यहाँ से जो करंट है वो पास नहीं होता और ऊपर आउटडोर बंद हो जाता है। इस तरह से हमारी टावर एसी की कंट्रोलिंग रहती है। तो इंडोर हमारा लगभग लग के तैयार हो चुका है। तो अभी हम करेंगे इसमें जो कॉटन टेप रिबन टेप रहती है हमारी इसको इसके ऊपर अच्छे से कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगेगा। थोड़ा इसको पीछे भी करेंगे हम, अच्छे से सेटिंग करेंगे। अभी इस थोड़े में टेपिंग वगैरह हो रही है। तो आप आई होप आप समझे होंगे कि कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं। ये 3 टन का हमारा टावर एसी है, ये हमारे आर्मी के एक ऑफिस में लगा हुआ है, लग रहा है ये हमारा के आर्मी का ऑफिस है, यहाँ पे एसी लग रहा है। तो ये पूरे हॉल को इजीली ठंडा कर देगा जैसा कि आप देख रहे हो। ये आर्मी का ट्रेनिंग एरिया है, ट्रेनिंग सेंटर है। तो अभी हमने पीछे से पूरी सेटिंग कर दी है इसकी, दोनों साइड हमने बराबर स्पेस छोड़ दिया है इसको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इंडोर यूनिट हमारी फिट हो चुकी है पूरी तरह। तो यहाँ से हमारी जो पाइपिंग है यहाँ से निकाली गई है। तो अभी हमने एसी इसके ऊपर लगाना है जो उसका आउटडोर है। तो यहाँ से पाइपों की सेटिंग करेंगे फिर आउटडोर के कनेक्शन भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारी पाइप डल चुकी है, वायर भी हमने डाल दी थी। तो कॉपर पाइप को हमने यहाँ पे जॉइंट कर देंगे, पीछे से जो पाइप आ रही थी वो 6-8 की थी, आगे जो आउटडोर में जो कनेक्शन है वो 5-8 के हैं और 3-8 के हैं। तो अभी हमने इनको जॉइंट कर दिया है और जैसा कि आप देख रहे हो हमारी पाइप नीचे से आई हुई है, हमने इसको अच्छे से टेपिंग कर दी है। तो अभी इसके कनेक्शन करेंगे।
सबसे पहले दोस्तों अपने बड़े वाला फ्लेयर को सेट करना होता है, क्योंकि अगर बड़े को ज़्यादा टाइम लगता है छोटे वाला इजीली हो जाता है। अगर छोटे वाला आपने फिट कर दिया, बड़े को लगाते टाइम अगर ये कहीं टूट गया तो दिक्कत हो सकती है। कोई भी एसी लगाना है तो पहले बड़े वाला फ्लेयर को आपने सेट करना है। तो दोनों पाइप्स हमारी फिट हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हो, दोनों पाइप्स फिट हो चुकी है। अब करेंगे इलेक्ट्रिकल के कनेक्शन, तो अभी कंट्रोलिंग करेंगे इसके। तो दोस्तों अभी हमारे इसको खोल रखा है जिसका बाहर कनेक्शन वाला पॉइंट रहता है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आउटडोर के कनेक्शन कैसे रहते हैं। आपने इन सभी को देख के घबराना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। बहुत ही इजी इसके कनेक्शन है। तो जो यहाँ पे रेड वाई बी एन ये आपको दिख रहा है, इसमें आपने रेड वायर को लगाना है। जो थ्री फेस में रेड तीन वायर रहती है, रेड येलो ब्लू, तो आपने एक दो तीन नंबर रेड येलो ब्लू तीन फेस आ जाएंगे, और एन पे आ जाएगा हमारा न्यूट्रल, और एक नंबर पे आएगी इंडोर से हमारी जो कंट्रोल वायर रहती है। और यहीं से हम रेड वाले पॉइंट से हम इंडोर के लिए फेस को उठाएंगे, और न्यूट्रल पॉइंट से हम न्यूट्रल अंदर इंडोर के लिए उठाएंगे, और ये हमारी अर्थ की वायर रहती है। तो जो हमारा थ्री फेस रहता है ये सिर्फ कंप्रेसर के लिए है, जो जो कंप्रेसर है उसको न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती फ्रेंड्स। तो जो न्यूट्रल है वो हमारा कॉन्टैक्टर के लिए जाएगा, और जाएगा हमारी जो आउटडोर फैन मोटर रहती है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए उसके लिए, और इंडोर के लिए हमारे यहाँ से न्यूट्रल जाएगा। बाकी और किसी कंपोनेंट के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं है थ्री फेस में, कंप्रेसर हमारा थ्री फेस से चलेगा। और जो हमारा एक नंबर है ये हमारी कंट्रोलिंग है, इसका जो ये वायर है ये सीधी हमारे कॉन्टैक्टर पे, जैसे आपको कॉन्टैक्टर दिख रहा होगा साइड में, ये वाला जो कॉन्टैक्टर है इस पर हमारी ये गई है। तो जो हमारा कॉन्टैक्टर है कंट्रोलिंग करता है, जब ये अंदर से जो हमारी वायर का एक नंबर का वायर का जो फेस इनपुट कट हो जाएगा तो ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा, और कंप्रेसर और जो फैन मोटर रहती है उसकी सप्लाई को कट कर देगा, और ये आउटडोर कंप्रेसर बंद हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो थ्री फेस है वो कंट्रोल रहता है। सिंगल फेस से इसकी कंट्रोलिंग की जाती है फ्रेंड्स। तो अभी दिखाता हूँ मैं इसको खोल के विनोद, तो अभी मैं फ्रेंड आपको खोल के दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या रहता है, ताकि आपको पता लग सके, पूरी कंट्रोलिंग का पता लग सके कि इसमें क्या क्या रहता है हमारे थ्री फेस एसी में। तो अभी आपको पूरा बताते हैं फ्रेंड्स कि थ्री फेस एसी में क्या क्या रहता है अंदर। जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर है, अगर एक फेस भी अगर कम होता है तो ये हमारे कंप्रेसर के लिए सप्लाई को कट कर देता है, जिससे कि कंप्रेसर हमारा जलने से बच जाता है। और वो आप देख रहे हो हमारी सिंगल फेस की फैन मोटर है, इसको चलाने के लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता है, कंप्रेसर को चलाने के लिए न्यूट्रल की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारा एच पी है, अगर प्रेशर हाई हो जाएगा तो ये कट कर देगा सिस्टम को। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है कि कंप्रेसर अगर में गैस ज़्यादा हो जाएगी या फिर कंप्रेसर को टाइम से टाइम इसको सर्विस नहीं किया जाएगा तो ये एचपी इसका कट करता रहेगा। हाई प्रेशर कट ऑफ स्विचल इसमें लगा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो, और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये वाला इसका कॉन्टेक्टर है, यही इससे कंट्रोलिंग की जाती है थ्री फेज की। ये जो येलो अंदर से एक नंबर की वायर आ गई ये इसकी कॉइल पे लगेगी, ये प्रिवेंटर में लगी है जाके, प्रिवेंटर से डायरेक्ट सीधी कॉइल में जा रही है जैसे कि आप देख रहे हो। A1 और A2 में ये न्यूट्रल फेस को, यहाँ पे ये वाली A1 है, यहाँ पे ये वायर ये कंट्रोल करेगी हमारा, और A2 में हमारी ये जो न्यूट्रल है, जो हमारी न्यूट्रल से ब्लैक वायर यहाँ पे A2 में लगेगी, और यहीं से जो हमारी वायर है एक वायर वो फैन मोटर के लिए चली गई है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल इसमें कॉमन हो चुका है।
तो इस तरह से जो कंप्रेसर के कनेक्शन रहते हैं, थ्री फेस के कंप्रेसर के, तो दोस्तों ये हमारा इधर फैन रहता है, ऐसे ही वर्किंग करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया इसका कनेक्शन। और ये हमारा थ्री फेस का कंप्रेसर, ये हमारा है HP, इसके भी मैंने वीडियो बना रखी है पहले ही। और ये हमारा कंट्रोलर, जैसे वो सिंगल फेस प्रिवेंटर बोल सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्टर है जो कि कंट्रोलिंग करता है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी बंद करते हैं और थोड़ी पाइपों की सेटिंग करके फिर आपको इसको बाहर के कनेक्शन बताते हैं कि कैसे इसके कनेक्शन करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अच्छे से पाइप को क्लैंप कर दिया गया है वायर भी इसके साथ ही, और ऊपर वो जो हमारा आउटडोर है, तो एसी की पाइप का काम पूरा हो चुका है। अभी खाली कनेक्शन का काम और चेकिंग का काम है। तब तक हमारे भाई वायर डाल रहे हैं इसके लिए थ्री फेज की, फौजी भाई। तो दोस्तों थोड़े ये हमारे पास आ गई है, अलग अलग वायर दी है इन्होंने हमें थ्री फेज के लिए, दूसरी वायर का है। तो इस वाली में ये बोल रहे हैं कि हम रेड और ब्लैक यानी न्यूट्रल को इसमें लगाएंगे, और वो वाली ब्लू और येलो वाली अलग अलग वायर दे रखी है। तो जो दोस्तों जैसे ये वाली अंदर से हमने पहले डाली हुई थी वायर, ये इन्होंने हमारे फेस के लिए और रेड के लिए और न्यूट्रल के लिए दे रखी है। उनके पास फोर कोर वायर नहीं है, इसलिए उन्होंने डबल कोर की दो वायरें हमें दी है। तो हमने फेस के साथ और अंदर वाले फेस को एक साथ देना है, जो कि हमने अंदर पहले कनेक्शन किए थे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से जो फेस आ रहा है अंदर, इंडोर के लिए भी जा रहा है 220 वोल्टेज। तो ये हमने फेस के लिए यहाँ दे दिया, अब हम डालेंगे न्यूट्रल के लिए। तो न्यूट्रल के लिए हमने नीचे ब्लू कलर की वायर दे रखी थी, है ना, तो ब्लू को हम डाल देंगे पहले न्यूट्रल में। तो ये हमारे रेड इसका, जो कि अंदर के लिए भी हमने फेस दे दिया है और न्यूट्रल भी हमने अंदर के लिए दे दिया है, और आउटडोर यूनिट के लिए रेड एक फेस आ गया है और न्यूट्रल आ गया है। और ये जो हमारी अंदर से एक नंबर पे हमने कंट्रोलिंग के लिए वायर लगाई थी, तो इसको हम एक नंबर पे दे देंगे। ये हमारी अंदर से कंट्रोलिंग आ रही है, यही इसको कंट्रोल करेंगी, ऑन ऑफ करेगी जब ये टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। और इसके बाद जो हमारी अर्थिंग रहती है, वायर भी हमारी रेड और ब्लैक ही है, तो इसमें हम जो दूसरे नंबर पर लगाएंगे वो दूसरा फेस लगाएंगे रेड वायर। और तीसरे नंबर ये ब्लू के लिए भी हम रेड वायर का यूज़ करेंगे, ब्लैक वायर का यूज़ करेंगे सॉरी।
चेक कर लिए, पूरा खोल दिया है और लीकेज चेक करेंगे। दोनों पॉइंट को गैस को खोल दिया है, वैसे हमने ऊपर लीकेज चेक कर लिया है। पहले हम लीक लाइन को खोलेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन को भी हमने खोल दिया। तो हमारी ये लीकेज चेक हो चुकी है, ओके है। अभी इसको थोड़ा सा इंसुलेशन करेंगे और उसके बाद इसको चलाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी को हमने ऑन कर दिया है। तो डिस्प्ले पे इसकी 25 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, इसको हम कम करेंगे 100 डिग्री तक, तभी एसी हमारा कूल वर्क काम कर पाएगा। क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर अभी 20 डिग्री है, तो अब जैसे कि आप देख रहे हो ब्लोअर में घूमना स्टार्ट कर दिए, जैसे फ्लो कर रहा है। जैसे कि आप इंसुलेशन देख रहे हो, इसमें जो हमारी फैन स्पीड दे रखी है, स्विंग दे रखी है अप डाउन, लेफ्ट राइट स्विंग दे रखी है, मुझे ब्लोअर स्पीड दे रखी है और मोड दे रखे हैं। इसमें कि कूलिंग मोड ही है, तो ये हमारा आउटडोर जो यूनिट है, आउटडोर यूनिट ने भी काम करना शुरू कर दिया है। हमारा इसमें ठंडा करना इसने स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हो, हल्की हल्की इसमें पानी की बूंदें आना स्टार्ट हो चुकी है, कूलिंग करना स्टार्ट कर चुका है। तो ब्लोअर हमारा फुल स्पीड से हमारा घूम रहा है अभी, और अच्छे प्रॉपर ये कूलिंग हमें दे रहा है अभी तक। अभी इसको चले हुए एक मिनट ही नहीं हुए और इसकी जो कूलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लोअर पूरी स्पीड से घूम रहा है। तो अभी इसके जो कंट्रोल पैनल रहता है उसको हम बंद कर देंगे, उसका जो एक कवर रहता है उस कवर को लगा देंगे। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का हमारा कवर लग चुका है, अब हम इस पर लगाएंगे जो हमारा प्री फिल्टर रहता है। तो ये हमारा जो फ्रंट जो हमारा एक पैनल रहता है उस पे अंदर एक स्लॉट दिए रहते हैं, वहाँ पे हमारा प्री फिल्टर लग जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें एक इसके लिए बने स्लॉट बने रहते हैं। तो यहीं से अगर आपने सर्विस करनी है तो इसको निकाल के आप सर्विस भी कर सकते हैं। तो फ्रंट पैनल को आप कर देंगे बंद, तो इसमें जैसे नीचे लॉक रहते हैं और साइड को दो स्क्रू रहते हैं, स्क्रू को हम लगा देंगे। तो अगर आपने कभी सर्विस करना हो तो यहीं से आपने स्क्रू को खोलना है और यहाँ से अंदर को अंदर से इसका प्री फिल्टर रहता है उसको निकाल के इसको वॉश कर लेना है। जो हमारा ये टावर एसी रहता है, नीचे से हवा को खींचता है और ऊपर से इसको फ्लो करता है। ऊपर से इसकी जो एयर का आउटलेट रहता है और नीचे से इसका इनलेट रहता है, नीचे से ये सक्शन करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो साइड में दो स्क्रू रहते हैं, इन दो स्क्रू को लगाना, नीचे स्क्रू नहीं रहते, नीचे लॉक रहते हैं। इनको खोलने के बाद ये आराम से इजीली खुल जाता है। तो अभी हमने इसको बंद कर दिया। तो इस तरह से टावर एसी की इंस्टॉलेशन की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।